नहीं भैया, होली के माहौल चल रहा था, काफी अच्छा लग रहा था। क्या होता बहुत बढ़िया, और होली के सब पर्व हुआ की दिल को बहुत सुकून मिलेगा, बहुत मजा आ गया, बहुत अच्छा भी लगेगा होली खेले में, और रंग गुलाल भी बहुत अच्छा लगेगा। और हम लोगों के बता दिए कि ये होली है पिछला बार और पिछला बार हाँ जाना एल्बो के नाम हम बहिरा खेलस होली। जी हाँ, बहिरा खेलस होली ये एल्बो के यहाँ नाम है, और ये गाना की काफी प्यार सी बात है, बहुत बढ़िया वीडियो भई है कर, बहुत अच्छा लगा जेमे ये बहिरा रोल भई रहे। हाँ, बांस के खिचारी ले ले बा आ भाभी के चेहरा था, भाभी चिल्लाते तो मेरा सुना थलेंगे तो बहिर बा बहिर बा हो जाई भाग भाग के घर घर लुटा तरी कमेली रे होली बहुत बढ़िया होली है। और उहे भाभी एक आज तेरी बजा खिलत होली में के ये गाना को सुनाओ ना। हाँ जरूर सुनाए, वो भी ये गाना में काफी अच्छा चल इना ये बहुत लोग सपोर्ट कर बहुत लोग लाइक कर, हम चाहो कि रोहन के भी गाना सुनाए। फागुन महीना का रिजल्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा, और
हर एक तरह का मेरे को यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। काजल दीदी जो है मेरे को अच्छे से डील करना और तौर तरीका हर एक चीज मेरे को बहुत पसंद आ रहा है। और बोले तो यहाँ जो सिखाकर जो काजल दीदी गवाती हैं वो मेरे को बहुत भा रहा है, तो जिससे मैं अभी तक यहाँ पे यानी कि बीच में भी लॉकडाउन हो गया था, तो इसके कारण मैं जो तो नहीं आ पा रहा था। और एक साल को आज एक लॉकडाउन को हो गया, फिर उसके बाद मैं अब पूरी तरह से तैयार हो गया हूँ। मैंने सोचा उधर काफी जो है तो स्टूडियो थे लेकिन उधर से मेरे को अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाया। देखिए वजह से जितना की बात क्या है, एक खूबी है काजल मोखा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जी, एक नियम है जी, पहले तो आपका आवाज ये चेक करेगी जी, और आपका आवाज बढ़िया होगा तब आपका बुकिंग होगा जी, फिर यहाँ आइएगा तो आपका इंटरव्यू बढ़िया से लिया जाएगा, दिल्ली पर सिखाया जाएगा, उसके बाद से रिकॉर्डिंग किया जाएगा जी। 100 काम तो आपने किए हैं जी, आप 3 साल गैप हो गए, लोकल स्टूडियो में गए वो चीज नहीं मिला, जो अनुभव था वो भी खत्म हो गया जी। इसके चलते फिर तुम काजल जी तुमको याद आई, फिर यहाँ आए, सपोर्ट रहेगा और उनको प्यार बुला रहे की जिंदा जोड़ा फिर ठंडा लहरेगा आगे, इसीलिए काम बोलता है जी, काम बोलता काम होगा तो आप कहीं से चला आएगा, कहीं से इस प्रकार से आपने 3 साल के बाद फिर काजल रिकॉर्डिंग में आए, ये साधारण बात नहीं है, काजल के लिए बहुत बड़ी बात है जी। ये जो मेहनत करके बच्चों को लड़कियों को सिखाती है और वही प्यार दुलार के तुमको खींच कर फिर यहाँ लाया जी, तो चलिए अब काजल से बात करेगी जी। सबसे पहले कि आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ दीदी, बढ़िया हूँ, बिल्कुल अच्छे। बहुत खुशी है मुझे कि इतना दूर से यहाँ फिर से आ पाए हैं 3 साल के बाद जी। और मुझे आशा है कि आप आगे भी अच्छा काम करेंगे जी, जी जरूर करेंगे। और देखिए जितने भी हमारे यूट्यूबर हैं, जितने लोग देख रहे हैं हमें काजल का म्यूजिक से या फिर लाइव से, तो आप सबसे मैं यही बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जितने भी सिंगर आते हैं, जिससे नहीं गाने आते हैं, जो एक ऐसे सिंगर होते हैं जिन्हें पढ़ने भी नहीं आता है वो भी यहाँ आके गाने लगता है, वो कुछ क्वालिटी है। आप लोगों ने बुकिंग कराएंगे सब बता दिया जाएगा। सबसे पहले हम लोग बहुत मेहनत से सिंगर को सिखाते हैं, चाहे वो 1 दिन लगे, चाहे वो 2 दिन लगे, चाहे वो 5 दिन लगे, हम लोग पहले रिहर्सल कराते हैं अच्छे से जी। आपको तो पता है कि रहने का व्यवस्था कंपनी की तरफ से है जी, आपको रूम मिला है, बगल में रूम है, आपको रूम मिला है, खाने पीने टूजे का व्यवस्था, आराम से बैठ के खा सकते हैं, रिहर्सल कर सकते हैं, 5 दिन में रिहर्सल कीजिएगा, 6 दिन आपका रिकॉर्डिंग होगा, 7 दिन आपने घर चले जाइएगा। तो हम लोग पूरा मतलब फैसिलिटी दिए हैं कस्टमर को, सिंगर को, तो जो भी सिंगर बहुत शौक है सिंगिंग करने का, अगर वो घर बैठे हैं चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, ज्यादातर लेडीज सिंगर ये सोचती है कि मैं लड़की हूँ मैं कहाँ जाऊँगी, इसलिए हाँ इसके वजह से बहुत हेडेक होती है, बहुत हेडेक होती है। तो आप सबको मैं बता दूँ जो भी लेडीज सिंगर है उसके लिए हम हैं सिंगर काजल अमखा, और मैं आप लोगों के सपोर्ट में बिल्कुल खड़ी हूँ और हमेशा खड़ी रहूंगी। आप लोग आइए और यहाँ अच्छे से अच्छे गाना सीख कर जाइए और अच्छा से अच्छा प्रोजेक्ट कीजिए। और बस जितेंद्र जी अब तुम्हारा रिकॉर्डिंग कल होगा, आज तो होगा नहीं क्योंकि तुम भी थोड़े थके हो आए हो, तो थोड़ा चेहरा लगा था, तो मैं चाहूंगी कोई भी मतलब जो भी सॉन्ग तुम्हें याद हो कोई भी एक सॉन्ग सुना हमें, ऐसे सारा नहीं कोई ठीक है बोले तो देशभक्ति चलेगा जो बिल्कुल जो चलेगा उसमें। हेलो आराम से कोई दिक्कत नहीं है, आराम लगाइए, आराम से लगाइए, घर तो भागना नहीं है जी जितेंद्र जी, घर तो भागना नहीं है, नो 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 आराम से का फास्ट है वो ए जमीने वतन, ए जमीने वतन
वाले की चोटी बनी चांद सूरज किस्त में है बिंदिया सजी। कोई पूछे गजमत कहां से पता, कोई पूछे गजमत कहां से पता, राह कस्तनीर उसको बता दे ये हम ऐ जमीने वतन, ऐ जमीने वतन, ऐ जमीने वतन, ऐ जमीने वतन। लेकिन अभी तुझे पता थोड़ा थकाव के शरीर में, तो मुझे जहाँ तक कमी लगी मैं आपको बता सकती जी जी। आपकी जो है आप कभी कभी आवाज कम कर रहे थे, कभी आवाज होल्ड कर रहे थे, ज्यादा कर रहे थे, कुछ ज्यादा कम ही नहीं करना है, कुछ ज्यादा होल्ड भी नहीं करना है, आपको ऐसा चलना है कि दोनों बराबर लगे ठीक है, उस हिसाब से कम जो आवाज लगा रहे हैं थोड़ा सा अनाप टाइप का, अनाप बहुत अच्छा लगा है, अनाप तो बिल्कुल बेटा था, बहुत अच्छा था, लेकिन आवाज में वही था, आवाज क्लियर नहीं समझ आया था क्या गा रहे हैं, क्लियर भी फोकस नहीं गया था। तुम्हें होता है शब्द शब्द क्लियर सुनाई देना चाहिए, अगर शब्द क्लियर सुनाई दे रहा है तो समझेंगे कि आप गा क्या रहे हैं। हम तो है तुम सुन लिए पास में है समझ में आएगा, लेकिन ये जो मैक है ना, मैक में थोड़ा आवाज सही से सुनाता नहीं जाती, अगर इस टाइप से गाइए तो बहुत कम सुनाएगा, तो उसको क्लियर से गाया जाता है। बाकी सब तो बेटर है, एकदम परफेक्ट है, अच्छा गाते हैं, आप तो पहले के सिंगर हैं, यहाँ आ चुके हैं, तो आप देख रहे थे काजल का ऑफिशियल एंड आराध्या का लाइव यूट्यूब चैनल। अगर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप घर बैठे ये जरूर नहीं कि यहाँ सिंगिंग सिखाया कैसे जाता है, अगर सिंगर बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पूरा नंबर है, इस नंबर से कॉल कर सकते हैं, या मेरे पापा रिसीव करेंगे, या फिर मैं रिसीव कर दूँ, या फिर कोई रिसीव कर सकता है, आप कॉल कीजिए, ऑनलाइन बुकिंग करिए और जल्द से जल्द यहाँ आइए और अपनी आवाज़ का पॉपी के ऊपर दिखाइए कि हाँ अपनी आवाज़ में जादू जो है वो अपना जादू दिखाइए। तो यही ना, बाय बाय।